सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे, आओ तो सही आप एक बार पधारो मारे देश जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यात्री सुशील। और दोस्तों, आधे घंटे पहले मैं घर से निकला हूँ और अभी अजमेर रोड से जो कनेक्ट करने वाली फ्लाईओवर है उस पर हम चल रहे हैं, और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर चलती है जयपुर की मेट्रो। तो जयपुर में मेट्रो के दो रूट अभी बने हैं, एक तो ये और एक हेरिटेज सिटी के अंदर, पुरानी जो पिंक सिटी है अपनी उसके अंदर बन चुका है और चालू हो गया है। तो आज एक्सप्लोर करना है अपने को सांभर, और फुलेरा होते हुए हम लोग सांभर पहुँचेंगे। तो वहाँ पे अपने भाई है, दोस्त है सुशील, एक्चुअली उसका नाम भी सुशील ही है, तो वो हमें घुमाएगा सांभर की अनसीन लोकेशंस पे और ऐसी ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे शायद कोई यूट्यूबर नहीं गया होगा। तो आज चलो फिर एंजॉय करो थोड़ा व्यू को, और फिर पहुँचते हैं आगे, अपडेट करते हैं आपको कहाँ पहुँचे क्या हो रहा है। दोस्तों आज बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था यार, सुबह रात को 2 बजे आँख खुल गई और नींद नहीं आई, बड़ी मुश्किलों से टाइम निकला, सुबह हुई और हम लोग निकल पड़े हैं एक छोटी सी राइड के लिए, मतलब सिंगल डे की राइड है, सुबह निकलेंगे शाम को वापस आ जाएंगे। तो ये अजमेर रोड पे सबसे पहला टोल आ गया, लेकिन अपन के लिए इन लोगों ने गली निकाल रखी है, तो अपन उस गली में से घुस के और निकल जाएंगे फ्री में। हाँ चलो मिलते हैं थोड़ा आगे जाके। तो अभी NH 48 पे अजमेर हाईवे पे चलते हुए हमको जाना है मोखमपुरा। तो अभी यहाँ से मोखमपुरा का 15 मिनट का रास्ता बता रहा है, चलिए निकलते हैं। और ये एक जगह नहीं रुक रहा है, ये मेरा मोबाइल का होल्डर टेढ़ा बांका हो रहा है। चलो गूगल मोखमपुरा लेके चलो। अब थोड़ा खाली खाली इलाका दिखने लगा है। ओ सुशील का कॉल आ रहा है यार, थोड़ी देर बाद में करते हैं तेरे से बात। और मेरे साथ में है दीपक भैया, आपको थोड़ी देर में मिलाता हूँ। अबे कितनी दूर है भाई, 11 मिनट अभी दिखा रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मोखमपुरा। मोखमपुरा होते हुए अपन लोग चलेंगे, रोड अच्छा बोला है इधर से कि अच्छा रोड है, तो मोखमपुरा होते हुए आओ आप सांभर के लिए, ठीक रहेगा, ब्रेकर्स वगैरह बिल्कुल नहीं मिलेंगे, अच्छा रोड है। ओके 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 ओके, गूगल बता रहा है कि इधर से जाने का उधर से जाने का। पहला ब्रेकर आ गया, कोई बात नहीं। तो इधर से क्या क्या पड़ेगा, मोखमपुरा तो अपन पहुंच गए, मतलब ये मेन रोड पे मोखमपुरा है, बिच्चून बंदे बालाजी जोबनेर आकोदा फुलेरा, फुलेरा पहुंचना है अपने को पहले। बस 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 ओके, कंप्लीट हो गई अपनी राइड, मोखमपुरा तक ही पहुँचाना था, अब हम देख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे पूछ लेंगे गूगल। और इधर से मेरे को बोला गया था कि रोड ठीक है, लेकिन यहाँ तो काम चल रहा है, धूल उड़ रही है इधर। बनाओ भैया बनाओ, फटाफट रोड बना दो। अरे यार हमको निकल जाने दे भाई, तू बहुत धूल उड़ाएगा रे तू बाबा। चलो निकलो निकलो निकलो, एक नंबर, इसको बंद भी कर दो ये, नहीं तो टर्न लेफ्ट टर्न राइट करता रहेगा। सुशील का बार बार फोन आ रहा है यार, एक बार उसको लगा ही लेता हूँ। फुलेरा है क्या? हम लोग अजमेर रोड से थोड़ा सा अंदर आ गए। चल ठीक है फुलेरा मिलते हैं ना। जय हो सुशील कुमार जी। चलो अभी फुलेरा से निकल चुके हैं, सुशील बोल रहा है खाना खाओगे क्या, मैं कि यार अभी खाना वाना खा के आए सब पहले, चलो कहाँ कहाँ चलना है, तो बोल रहा है इधर से कवर करते हुए चलते हैं। तो मैं कि आ जाओ आप फटाफट आ जाओ, और नज़र आने लग गई है सफ़ेद ज़मीन, नमक वाली ज़मीन, उपकाराग्रह सांभर लेक फुलेरा। वो कहाँ पे है? तो पहले वही देखे थे, फिर चलते, कुछ अवशेष हैं पुराने। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं भारत सरकार राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक सांभर, अधिसूचित 1951, सूचना पट पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, और वीडियोग्राफी शुल्क 25 रुपए है, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं। नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सांभर,
अब ये किससे रिलेटेड है ये मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ कहीं पे नहीं है। तो चलो अंदर चलते हैं और दूसरे वीडियो कैमरा से दिखाता हूँ आपकी यहाँ की खूबसूरती। दोस्तों घूमते घुमाते फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और सुशील रास्ते में मिल गया था जैसा कि आप लोगों ने देखा। और यहाँ पे सबसे एक बहुत पुरानी एक एनसाइंट आर्कियोलॉजिकल जो भी होता है पुरातात्विक अवशेष कुछ ऐसी कोई साइट यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम लोग वहीं पे आ गए। ये बहुत पुराने टाइप के यहाँ पे शायद किसी के मकान होंगे और ये अभी भारत सरकार द्वारा संरक्षित है यहाँ पे। दोस्तों दूसरी तरफ और भी है, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। और इनसे मिलिए, ये है अपने सुशील जो सांभर में रहते हैं, तो ये सांभर के बारे में बेटर जानते हैं अपने से। तो अपन को कहाँ कहाँ घुमाते देखते हैं। सबसे पहले ये एनसाइंट साइट जो है अपनी, वहाँ पर लेके आए हैं अपने को और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और हाँ व्यू देखो यार, बहुत ही गजब का है। और ये है अपने दीपक भैया, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं और सुबह सुबह अपने बाल सुखा रहे थे नहा धो के, तो मैंने कहा यार चलोगे साथ में, तो इन्होंने हाँ भर दी और मैं एक से भले दो, तो निकल पड़े हम लोग। फिर वहाँ से रास्ता आ रहा है और ये बिल्कुल मॉन्यूमेंट तक आपको लेके जाता है। और यहाँ पे देखिए एलोवेरा की खेती हो रही है बहुत सारे एलोवेरा के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए तोड़ के दिखाता हूँ आपको, एलोवेरा चाहिए तो यहाँ से ले जाना आप लोग। कड़ा। तो दोस्तों मॉन्यूमेंट कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइए। और यार ड्रोन यहाँ पे नहीं उड़ाएंगे, ड्रोन सांभर झील पे ही उड़ाने में मजा आएगा। तो चलिए निकलते हैं, अब सुशील कहाँ लेके जाएगा पता नहीं। पर्यटन नगरी सांभर झील में नगर पालिका मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। मतलब इधर आगे की तरफ झील है कहीं पे। पहले कहाँ चल रहे हैं, पहले कहाँ? अच्छा शॉप पे चलना है पहले, चलो ठीक है ठहरिए। इतने पास से आपने ट्रेन कभी नहीं देखी होगी नहीं देखी होगी यार, मजाक कर रहा हूँ यार, क्या बात है। साथ में जब कोई लोकल बंदा रहता ना तब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर जगह एक्सप्लोर कर पाते हैं आप बहुत तरीके से। तो ये लो जी हम लोग पहुंच गए हैं सुशील कंप्यूटर्स पे, ये सुशील की दुकान है, ये कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता है यहाँ पे सांभर में। तो कभी भी आपका अगर आसपास से कहीं से देख रहे हो सांभर फुलेरा से और कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह और मोबाइल वगैरह रिपेयर करवाना हो तो इससे संपर्क कर सकते हैं। 9352017044 इसका नंबर है। तो दोस्तों समोसा और जलेबी हमने खा लिए और अब पहले टाउन हॉल जा रहे हैं। ओके सांभर साल्ट म्यूजियम है यहाँ पे। अच्छा ये सांभर लेक का पूरा मैप है, ये है अच्छा वहाँ पे शाकंभरी माता का मंदिर वहाँ पे है। और अभी अपन कहाँ पे, अभी यहाँ पे और पहुँचना है वहाँ पे। तो ये पूरा मैप बना हुआ है यहाँ पे सांभर लेक का, इस तरीके से कुछ सांभर लेक दिखती है एक्चुअल में जो दिखती है, अभी देखेंगे जाके कैसी दिखती है। और ये सारे जो ये रेलवे के ट्रैक है, रेलवे के मतलब वहाँ पे जो नमक को लाने ले जाने के काम आती है वो शायद ये ट्रैक है पूरे यहाँ पे ऐसे, तो इनसे नमक वगैरह इधर से उधर ले जाया जाता है। और ये साल्ट म्यूजियम है लेकिन बंद पड़ा है अभी। और ये भाई को है ना बड़ी देर से पहचाना मैंने, ये करीब 10 साल बाद मिला है मेरे को, ये अंबर टावर में मेरे साथ ही काम करता था, उस टाइम बच्चा था। अभी ये देखो कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी आ गई इसको नाम तो बता दे भाई यार, राजेंद्र ठीक है, नाम तेरे चेहरे को सूट नहीं करता है, चेंज कर दे इसको सामने कुछ हेरिटेज टाइप की बिल्डिंग है, क्या लिखा हुआ है, द सांभर हेरिटेज रिजोर्ट राइट ऑफ एडमिशन रिजर्व। ओके ओके
अच्छा, ओह माय गॉड, वो सामने झील दिख रही है, वो बहुत लंबी चौड़ी है, और ये आपको सांबर विलेज दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो अब वहीं चल रहे ना सीधा। चलो अब शाकंभरी माता के लिए रवाना होते हैं यहाँ से। और ये यहाँ का उत्तर पश्चिम रेलवे सांबर लेक, यहाँ से देखिए बहुत ही खूबसूरत झील, वहाँ पे देखिए सामने ट्रेन भी जा रही है, दिखाई दे रही होगी, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो अभी इस झील में बाइक को चलाया जाए, फोटो वोटो खींचो भाई, फोटो वोटो खींचो, मैं चला के आता हूँ थोड़ी बाइक इसमें, ले लेना कैमरा निकाल ले। चलो नमक की झील में बाइक राइड करके देखते हैं। मजो आमिगो। ये नमक खा रहा है कि नहीं है, ये चक्के देखो ना थोड़ा सा। अच्छा ये मोटा नमक भी है यहाँ पे यार, ये देखो नमक, ये देखो जम गया बिल्कुल, एक बिल्कुल पत्थर की तरह हो गया ना। यदि यहाँ पे नमी पकड़ गया तो। हेलो फ्रेंड्स, नमक खा लो। ये देखिए छोटी सी झील, एक्चुअल में झील नहीं है, गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और अभी हमारे जो साथ थे सुशील जी, वो आगे निकल गए हैं, तो हमको भी अब निकलना है आगे। शाकंभरी माता के लिए प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से, लेट्स गो। पाकिस्तान की बॉर्डर वो रण में मैं चले जाऊँ, वैसे चले जाऊँ, ये इतना सा वहाँ तक जाने में अपने पसीने आ जाए, और पानी पानी। और अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर आप कहीं बाहर से यहाँ पे आ रहे हो विज़िट करने के लिए, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह और फाइन डाइनिंग, लग्जरी रूम्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, बर्ड लवर्स पैराडाइज, ऑफ बीट एंड माइस वेडिंग डेस्टिनेशन, साल्ट प्रोडक्शन, ट्रेन टूर्स, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। आओ तो सही आप एक बार, पधारो मारे देश जी। इधर कहाँ जा रहे ले भाई लोग, चलो पीछे पीछे चलते, चलो देखते रहो क्या क्या दिखा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे रिजोर्ट है ये कोई जबरदस्त वाला। ये भैया रिजोर्ट है क्या? कितने पैसे में मिलता होगा रूम वहां पे? टेंट है मतलब, है ना, टेंट के अंदर सारी फैसिलिटीज है। तो यहाँ पे ये रिजोर्ट है, अंदर तो बोला दिखा दूंगा आपको, लेकिन अब क्या मतलब है यार, अपने को जाना ही नहीं है, तो अंदर तो हम लोग गए नहीं। तो दोस्तों अभी जो रिजोर्ट देखा, उसके बैक साइड में देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत सारे यहाँ पे विदेशी पक्षी, और ये छोटी सी झील है, और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अगर मुझे कल कहीं नहीं जाना होता तो मैं इधर ही कुर्सी डाल के बैठ जाता आराम से। माहौल बहुत ही मस्त हो रहा है इधर। तो दूसरे कैमरे से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको।